हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 32 होमवर्क दिया था, जो जितना मुझे याद है। यस और नो, होमवर्क क्या दिया था हमने? प्रॉब्लम नंबर 32 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। ट्राई भी किया होगा तो मेरे लिए काफ़ी है। हैव यू ट्राई? यहाँ कैपिटल फंड तो दिएला था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत भी नहीं थी, राइट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्हाट अबाउट यू महक, अदिति? सभी ने, सभी ने किया। ओह यस, सभी ने किया। सॉल्व करें एक बार, चेक कर ले। सरप्लस डेफिसिट क्या आया आप लोगों का एक बार मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बता दीजिए। सरप्लस डेफिसिट क्या आया, ताकि मुझे समझे कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। व्हाट इज योर सरप्लस और डेफिसिट? चैट में लिख दे, प्राइवेट चैट में। क्या है? पढ़ूंगा नहीं, नाम नहीं पढ़ूंगा मैं आपके। ओके, बैलेंसिंग नहीं किया। एक जन का बोलना है बैलेंसिंग नहीं किया। एक का आया है 6,52,500, 6,52,500, ठीक है। एंड 31,32,500 बैलेंस शीट की टोटल। एक ही जन ने जवाब दिया, अदर्स सरप्लस डेफिसिट। ट्राई तो करो, लिखो तो सही, शायद आप सही हो जाओ। नहीं, चलो अब मैं एक चीज बताओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरी मदद करोगे? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान देना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। फॉलोइंग इज द रिसर्च एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ जीवनदीप बैलेंस शीट एंड वो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे को बताओ, पहले तो हिंट लेना था। यहाँ से हिंट क्या मिल जाती थी आपको? एक मैं इसको जूम कर देता हूँ ना, ऊपर का कोई काम का नहीं है। यहाँ से हमको हिंट मिलती थी बेटा, हिंट क्या मिलती है यहाँ से हमको, कि ये पहला साल नहीं है। इट इज़ एन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, इट्स एन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है तो वी माइट हैव टू प्रिपेयर दैट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है 30,000, सब्सक्रिप्शन 2011 12 12 13 13 14, 3 साल के सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, हॉस्पिटल मेडिसिन ऑनोरियम एम्बुलेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज, फर्नीचर परचेज, फिक्स डिपॉजिट्स एंड बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपको नहीं लगता इसका तो अकाउंट बनेगा? 3 साल तो वहीं दिए हुए, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तो ओपन होने वाला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन का, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वेयर परचेज ऑन 1/10/2012 एंड बोथ द एसेट्स वेयर टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 20%। तो आपको नहीं लगता इस पर डिप्रिसिएशन है? हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर दोनों पे एक एक स्टार मार्क कर देना। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, अच्छी बात है। डोनेशन रिप्रेजेंट्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये इसके सामने बीएफ लिख दूँ तो चलेगा? अपनी सोच को ज़्यादा उड़ान मत देना, बीएफ इज बिल्डिंग फंड, ठीक है। सैलरी स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी स्टाफ आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग। सैलरी नाम का अकाउंट दिख रहा है क्या आपको कहीं भी? मेडिसिन ऑनोरियम एम्बुलेंस हॉस्पिटल इक्विपमेंट नहीं है, तो नया अकाउंट बना लेंगे ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी विल ओपन न्यू अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गए एडजस्टमेंट्स। ऑन 1/4/2012 द हॉस्पिटल हैव द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लैंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, बैंक लोन एंड एम्बुलेंस। लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक लोन एंड एम्बुलेंस। आपको नहीं लगता इसमें से ऊपर एक ऐसे तो कायदे से कोई अकाउंट दिख नहीं रहे। लैंड भी नहीं है ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स भी कोई खरीदे नहीं उनने खास, बैंक लोन में कोई चेंज नहीं है। एम्बुलेंस आप बोलोगे सर एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस मेंटेनेंस है, दैट्स नॉमिनल अकाउंट। एम्बुलेंस भी नहीं है ऊपर में, एम्बुलेंस मेंटेनेंस है। एंड कैपिटल फंड, आपको नहीं लगता ये दोनों इन्फॉर्मेशन है? दिस आर द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है बट ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड अस विद द ओपनिंग बैलेंस शीट बट दे आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया बट उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया बट उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बराबर है? बोलो यस और नो।
हाँ या ना, बराबर है ना रे, यहां तक, यहां तक ठीक है। अब क्या करना है, स्टार मार्क दे दिया, हैशटैग दे दिया, जिसके अकाउंट की जरूरत है वो बनेंगे, नहीं बनेंगे जो वो डायरेक्ट जाएंगे। करूँ पास करूँ? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ड्यूरिंग द ईयर या सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस? सबसे पहला ड्यूरिंग द ईयर या ओपनिंग बैलेंस, जवाब दो। ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्यूरिंग द ईयर और फिर एडजस्टमेंट। पास करे, पास करे, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड बढ़ा के। चलिए, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर दो। ओपनिंग बैलेंसेस में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए, कोई बात नहीं, उससे शुरू कर लो। लैंड दिया हुआ है 12 लाख, आपको क्या लगता है लैंड कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में? 12,50,000। लैंड के बाद में अगला आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है 2.5 लाख, इन्वेस्टमेंट्स भी चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैंक लोन क्या लगता है आपको, बैंक लोन एसेट साइड में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। बैंक लोन एसेट साइड में जाएगा कि लाइबिलिटी साइड में जाएगा, जवाब दे। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। बैंक लोन 10 लाख, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 10 लाख। एम्बुलेंस 5,12,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एम्बुलेंस 5,12,500, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। ये हो गए आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये क्या पोस्ट कर दिया आपने, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नाउ यू आर गोइंग टू पोस्ट कैपिटल फंड, 10,80,000 का कैपिटल फंड पोस्ट करना है आपको। 10,80,000 का कैपिटल फंड, क्या लगता है, 10,80,000 का कैपिटल फंड, दिस विल बी ओपन ऑन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कोई दिक्कत नहीं, सारा हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, सारा हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, पहला ओपनिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, जवाब दे फटाफट। स्टेप नंबर टू क्या रहेंगी, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू विल बी, स्टेप नंबर टू विल बी ड्यूरिंग द ईयर। स्टेप नंबर टू ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना? स्टेप नंबर टू विल बी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में सबसे पहला आइटम पढ़ो, क्या है ड्यूरिंग द ईयर में, क्या क्या है पहला आइटम? बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे को बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट देना है कि दैट्स द इफेक्ट? बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट देना है कि दैट्स द इफेक्ट, जवाब दे। दैट्स द इफेक्ट, राइट, दैट्स द इफेक्ट, उसका अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। दैट्स द इफेक्ट, उसका अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट, सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट, बराबर है, वहाँ डेबिट। क्रेडिट कहाँ हो जाना है उसने, वहाँ डेबिट। क्रेडिट कहाँ हो जाना है, क्रेडिट कहाँ हो जाना है, क्रेडिट हो जाना है आपका। सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी ओपन सेपरेटली, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से बाय कैश 11-12-12-13-13-14, 11-12-12-13-14, जो भी डिटेल है उसकी डिटेल मैंने लिख दी यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, अगर डोनेशन बिल्डिंग फंड का है तो विल इट गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और विल इट बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 2,75,000, हाँ या ना, यस और नो? उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या लगता है आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस वहाँ डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फीस वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। लाइफ मेंबरशिप फीस चाहे बोला हो या ना बोला हो, इट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीज ऑलवेज कैपिटलाइज, 1,25,000, 1,25,000 लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, डन यहाँ तक? लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद अगला क्या है, हॉस्पिटल रसीद रेवेन्यू।
हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू कितना? हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू 7,50,000, 7,50,000 की हॉस्पिटल रिसिप्ट से, तो वहाँ डेबिट, हॉस्पिटल रिसिप्ट वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हॉस्पिटल रिसिप्ट के नाम से। 7,50,000, 7,50,000, क्लियर है यहाँ तक? येस और नो? 7,50,000 बोलो हाँ या ना। हॉस्पिटल रिसिप्ट के बाद अगला है मेडिसिन, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, फटाफट लिखते जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑनोरियम टू डॉक्टर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एम्बुलेंस वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, 2,20,000। वो एम्बुलेंस नहीं है, वो एम्बुलेंस मेंटेनेंस है। हाँ, ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा, ध्यान रखना, ये रियल अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये समझा क्या? दैट्स नॉट रियल अकाउंट, दैट्स नॉमिनल अकाउंट, दैट्स नॉट रियल अकाउंट, दैट्स नॉमिनल अकाउंट। एम्बुलेंस मेंटेनेंस 2,20,000। अगला है हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। आपको नहीं लगता हॉस्पिटल इक्विपमेंट, उसमें स्टार मार्क भी है, इनर कॉलम में लिखना। हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बाद में अगला आइटम क्या है? यहाँ तक हो गए हम। फर्नीचर परचेज 1,25,000, उसमें भी स्टार मार्क है, इनर कॉलम में 1,25,000। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स 5 लाख। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस है 3,47,500, 3,47,500, बोलो हाँ या ना, यस और नो। यहाँ तक अगर हमने कर लिया, वी आर डन विथ स्टेप नंबर टू, वी आर डन विथ स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू हो गया। अगला क्या है? स्टेप नंबर थ्री इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टेप नंबर थ्री इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या होगा स्टेप नंबर थ्री में एडिशनल इन्फॉर्मेशन? पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13 इज 25,000, 12-13 का है 25,000, 12-13 का है 25,000। क्या होंगी एंट्री? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री विल भी बोलो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग के, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? डोंट यू थिंक द एंट्री विल भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन? अरे क्या हो गया, सुनना काहे हो गए। आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या रहेंगी? यस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के डेबिट में, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 12-13-25,000 यहाँ डेबिट, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट 12-13 के नाम से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25,000। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ हो गया। हॉस्पिटल इक्विपमेंट वेयर परचेज ऑन दिस डेट एंड टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% बोथ। मेरे को बताओ, 1/10/2012 से खरीदा और ईयर एंड है, तो आपको नहीं लगता 6 महीने का डिप्रिसिएशन है? 6 महीने का डिप्रिसिएशन है, मतलब हॉस्पिटल इक्विपमेंट 1.5 लाख के है, उसके ऊपर में 20% इंटू 6/12। फर्नीचर परचेज 1,25,000 के है, इस पर 20% इंटू 6/12, ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो कर लो, 1.5 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 करो, 1.5 लाख इंटू 20% इंटू 6/12, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हॉस्पिटल इक्विपमेंट, 1.5 लाख इंटू 20% इंटू 6/12, 15,000। 15,000 से यहाँ क्रेडिट डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेप्रिसिएशन हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 15,000, फर्नीचर 1,25,000 इंटू 20% इंटू 6/12, आई थिंक 12,500 यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जमता है यहाँ तक? जमता है यहाँ तक? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। बढ़ो आगे यहाँ से। मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ये भी हो गया हमारा। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, ये हम यहाँ लिख के कर चुके हैं ना इन सबको। सैलरी फॉर द स्टाफ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 37,500, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंट्री क्या हो जाएंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट के डेबिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट में। तो स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है क्या बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लियर है बेटा, हाँ या ना?
यस और नो, जमता है यहां तक? बड़े आ गए यहां से? मैं बढ़ रहा हूँ आगे, बढ़ते हुए। अब मेरे को एक चीज़ बता, आपने सारा ओपनिंग भी कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर भी कर दिया, आपने एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर लिया, ओपनिंग भी हो गया, ड्यूरिंग द ईयर भी हो गया और एडजस्टमेंट भी हो गया। अब क्या स्टेप है? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? जवाब दो, अगला स्टेप क्या है? बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग, येस और नो? चलो आ जाओ, बैलेंस करो। सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बैलेंस कर लेंगे? हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितने अकाउंट है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितने अकाउंट है, जवाब दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितने अकाउंट है? तीन। पहले प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और जो बच गया वो करंट ईयर। अब मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना, पिछले साल के, ये प्रीवियस ईयर है ना, पिछले साल के 37,500 मिले तो वो आगे वाला बेवकूफ है कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा? पिछले साल के 37,500 लाके दिया तो वो आगे वाला बेवकूफ है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, जवाब दो। डोंट यू थिंक रिवर्स कैलकुलेशन से हमको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिलेगा कि भाई 37,500 इसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? ऐसे ट्रांजैक्शन को हमने नाम भी दिया था, इसको बोलना रिवर्स कैलकुलेशन बोलना, ये काम आता। टाइप फाइव में हमारे को आदत रही रिवर्स कैलकुलेशन बोलने की, तो काम आएगा बहुत। हो गया ना? अब लॉजिकली इतना मिलना था, इतना मिल गया, मैटर खत्म। हो गया प्रीवियस ईयर बैलेंस, हो गया प्रीवियस ईयर बैलेंस। मान लो डेबिट साइड ज्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता तो हम आउटस्टैंडिंग मानते थे, याद करो। पहले हमने डेबिट साइड ज्यादा होता, क्रेडिट साइड कम होता तो हम आउटस्टैंडिंग मानते थे। यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है प्रीवियस ईयर का और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। वो क्या हो जाता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट ईयर का जो 75,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का मिला है वो तो एडवांस ही रहेगा, क्लोजिंग एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन 75,000, वहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट। समझा क्या बेटा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, यस और नो? हाँ या ना? तो बोलो यस और नो? यस सर। बड़े आ गए यहां से? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगला क्या है? सॉरी, अब जो बच गया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, जो बच गया है, क्या लगता है आपको, जो भी बैलेंस बच गया है वो कौन से साल का होगा? अब जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बैलेंस बच गया है, आपको नहीं लगता पूरा बैलेंस करंट ईयर का बचा हुआ है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अब जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो पूरा बैलेंस कौन सा बचा हुआ होगा? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो पूरा बैलेंस फॉर द करंट ईयर, जो भी बैलेंस बचा हुआ है, दैट होल बैलेंस इज फॉर द करंट ईयर, दैट होल बैलेंस इज फॉर द करंट ईयर। निकाल लो करंट ईयर का बैलेंस कितना है। करंट ईयर का बैलेंस है 6,12,000, यहाँ का इतना है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी, बैलेंसिंग फिगर विल बी कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 5 लाख, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के नाम से, बराबर है? यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो वहां क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के नाम पे। पक्का श्योर? पक्का श्योर? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। क्लियर है यहाँ तक हम लोग? क्लियर क्लियर, बड़े आगे। अब क्या है? अब बैलेंस कर लो। इफ़ यू आर गोइंग टू बैलेंस दिस, आपको सरप्लस डेफिसिट मिल जाएगा। आई थिंक सरप्लस आ रहा है 5,40,000। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, आप गलत थे, आप सही आंसर कर लो। बेटा गलती मिली क्या आपको? गलती इंपॉर्टेंट ये है कि गलती मिली क्या, जिन्होंने
आंसर कुछ 6 लाख कुछ बताया था, उनको गलती मिली। ठीक है, कितने लोगों का सही था? आपने जवाब नहीं दिया होगा शुरुआत में, बट सही था सर, हम सही थे। कोई है हमारे बीच में जो सही करके आया? बराबर 5,40,000 का सरप्लस निकाला। इंपॉर्टेंट तो सब्सक्रिप्शन का रिवर्स कैलकुलेशन ही हैंडल करना था। कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छाप लो इसको, छाप लो। एक और मौका दूंगा, डोंट वरी, एक मौका और दूंगा मैं आपको, और मौका दूंगा अभी। मैं बोला ना सब्सक्रिप्शन ही संभालना था, इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन ही संभालना था। ये ले लो, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहां तक? प्लस ये था जहां पे कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है। मान लो अगर सेम क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया रहता तो क्या निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अगर मान लो सेम क्वेश्चन में ये कैपिटल फंड का बैलेंस अगर नहीं दिया होता, 10,80,000 बैलेंस ये नहीं दिया रहता, तो क्या हम निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? जवाब दो, क्या लगता है आपको, निकाला जा सकेगा या नहीं निकाला जा सकेगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, बताओ, कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती, क्या बनानी पड़ती है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक बार ट्राई करना चाहोगे, एक बार निकालना ट्राई करना चाहोगे आप लोग? आप खुद ट्राई करना चाहोगे एक बार कि निकाल के दिखा दूं मैं? क्या लेते हो, करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई वन? पता तो है आंसर, 10,80,000 आने वाला है, करना चाहोगे ट्राई? अभी 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 चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढ ढूंढ के ओपनिंग बैलेंस शीट में लाना है, फिफ्थ स्टेप रहती है, ओपनिंग बैलेंस शीट ढूंढ ढूंढ के लाना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लैंड है 12,50,000, लैंड का बैलेंस यहां लिख दो 12,50,000। ओपनिंग बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है? उसके बाद लैंड के बाद है इन्वेस्टमेंट है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं हम 2,50,000। बैंक लोन है, लाइबिलिटी में आ जाएगा 10,00,000, बैंक लोन। और एम्बुलेंस है 5,12,500, ये एम्बुलेंस 5,12,500, 5,12,500 जमेगा यहां तक? यहां तक अगर हो गया हमारा, तो अब मेरे को बताओ आपको नहीं लगता ये एक बैलेंस ब्रॉट डाउन है? भूलना मत, गड़बड़ होती है इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बताया था पहली कैश का अकाउंट ऐसा रहता है जिसमें गड़बड़ होंगी। अगर वो बैलेंस शीट में क्लोजिंग होगा तभी तो इस बार ओपन हुआ होगा ना 30,000 का कैश के नाम से, 30,000 कैश के नाम से, 30,000। इसके बाद अगला आइटम क्या है? इसके बाद अगला आइटम रिवर्स कैलकुलेशन वाला एक आइटम है जो भूल जाते हैं हम बहुत बार। रिवर्स कैलकुलेशन वाला सब्सक्रिप्शन का आइटम भूल सकते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन का कितना है? 37,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 37,500 हो गया। इसको टैली करके देख लो, करिएगा जरा बैलेंस वैलेंस करके देखिए कितना आ रहा है। बारह लाख पचास हजार प्लस 2,50,000 प्लस 5,12,500 प्लस 30,000 प्लस 37,500 माइनस 10,00,000, आया क्या? 10,80,000 आया क्या बैलेंसिंग फिगर? 10,80,000। और ये 10,80,000 इज नथिंग बट योर कैपिटल का बैलेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे, पहले दिया हुआ था। तो अगर कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया रहा तो क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे?
कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया रहा तो क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट दैट। जमेगा बेटा, हाँ या ना? एक और प्रॉब्लम है अपना, प्रॉब्लम नंबर 33। प्रॉब्लम नंबर 33, वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? सर ये देख के फट गई हमारी, बोले ऐसा है क्या? करना चाहोगे बता दूँ, करना चाहोगे बता दूँ, मैं देता हूँ मौका देता हूँ। कुछ बच्चों खतरों के खिलाड़ी होते हैं हमारे बीच में, मैं मौका देता हूँ उनके लिए, मौका देता हूँ उनके लिए, मौका देता हूँ। एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट, 33 का स्क्रीन शॉट ले लो। मैं चाहूँगा एक बार आप ट्राई तो करें, घबराने से पहले एक बार ट्राई तो करें। रादर देन फियरिंग कि हमसे नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करे, कोशिश तो करे। याद रखना ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? एक बार कोशिश तो करे, एक बार इसको कोशिश तो करे, ट्राई तो करे, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन टाइप 5 का है, बहुत इजी है। बस इतनों सा छुटपन सा एक फर्क है, ये भी ट्राई करें सो दैट कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर पाएं। एक छुटपन सा फर्क है इस क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है और कैपिटल अकाउंट दिया हुआ नहीं है। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है और यहां कैपिटल अकाउंट दिया हुआ नहीं है, तो आपको नहीं लगता यहां पे फिफ्थ स्टेप ओपनिंग बैलेंस शीट बनेंगी? पहले आप पास करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट और ओपनिंग बैलेंस, एडजस्टमेंट क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद आप पास करेंगे, प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ये भी एक बार ट्राई करके आना। ये दो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट रुकना, मेरे को बात करनी है क्लास के स्केड्यूल के बारे में। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।